जेल में बैठे शख्स की तरबियत है कि फितना फसाद और इंतशार कैसे फैलाना है। अब भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। हम काम कर रहे हैं मगर वो जिम्मेदारियों पर तवज्जो के बजाय गालियां दे रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से पीटीआई के तर्ज सियासत पर बरस पड़ी। कहा कि जेल से हमेशा पैगाम आया है कि आग लगा दो, पुलिस पर हमला कर दो, ये एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को खड़ा कर देंगे तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। सूबे पर तवज्जो की बजाय जलाओ घेराओ और मर जाओ मार दो की बात कर रहे हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ के हमरा वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर स्क्रीन का इजरा कर दिया। गुफ्तगू में मरीम नवाज से मजीद कहा कि इंतजार फैलाने वाले जल्द किस्साए पारीना बन जाएंगे, किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। आ रही वो जेल में जो अडयाला जेल में बंद है, हमेशा सुने कि वहां पर आग लगा दो, वहां पे घेराव कर लो, वहां पुलिस वालों के सर फाड़ दो। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। अगर आप ये समझेंगे कि आप एक सूबे के मुकाबले में दूसरे सूबे को लाके खड़ा कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तानी हैं, सूबे बाद में हम ये इंशाल्लाह होने नहीं देंगे। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे है, घेराओ जलाओ आग लगा दो मार दो मर जाओ पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती।